वो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पूरी दुनिया में नाम हो जाए, और वैसा ही कुछ किया नेपाल वर्सेस मंगोलिया के क्रिकेट मैच में, जहां पर नेपाल ने एक साथ 7-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए। पहला रिकॉर्ड था हाईएस्ट रन इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पर नेपाल ने 3 विकेट खोके 314 रन बनाए मंगोलिया के खिलाफ और बनाए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट रन का। दूसरा रिकॉर्ड इसी मैच में बना हाईएस्ट रन रेट का, जहां पर नेपाल ने 15.7 के औसत से रन बनाए। तीसरा रिकॉर्ड बना हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस का किसी भी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि था 26 छक्के पड़े इस मैच में और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। चौथा रिकॉर्ड बना टी20 की फास्टेस्ट सेंचुरी का, जहां पर कुशल मल्ला ने 34 बॉलों में सेंचुरी बनाई और डेविड मिलर और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 35 बॉल का था। पांचवा रिकॉर्ड था फास्टेस्ट 50 का, जो कि दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया और उन्होंने मैच 9 बॉलों में 50 रन बनाए। युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि पहले 12 बॉल में 50 रन का था। छठा रिकॉर्ड रहा हाईएस्ट इवर रन रेट का, जहां पर दीपेंद्र सिंह एरी ने 520 का स्ट्राइक रेट रखा, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट है। और सातवां रिकॉर्ड इस मैच में बना हाईएस्ट इवर मार्जिन विक्ट्री का, जहां पर 273 रनों से नेपाल ने इस मैच को जीता, 41 पर मंगोलिया को टोटल आउट किया। तो ये थे नेपाल के एक ही मैच में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आपका कौन सा सबसे फेवरेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा, और ऐसे ही शॉर्ट्स के लिए देखते रहिए NI News with Shivam।